सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो का बाहर काफ़ी बारिश चल रही है और अभी 9 बज रहे हैं। तो आज हमारा लंच टाउन जाने का प्लान था, क्योंकि छोटा मोटा काम भी था चाचा को, और फिर घूमने जाते, फिर टिप एंड टॉप और पार्क वार्क में जो भी है, पर नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है। सुबह से ही चल रही है और लाइट भी अभी कटी है, अभी लाइट भी नहीं आई, तो लैपटॉप वैपटॉप कुछ चार्ज नहीं हो रखा। बारिश की वजह से इसने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। पूरा प्लान ख़राब कर रखा है बारिश ने सिर्फ, और लाइट भी नहीं आ रही। तो गोप्रो की बैटरी भी बिल्कुल चार्ज नहीं है, स्पेयर बैटरी चार्ज नहीं है, बाकी बैटरी जो है वो भी 50% होगी लगभग चार्ज। तो छोड़ो उसे, तो वो तो चार्ज कर देंगे हम इन्वर्टर से। तो वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है डिनर सेट भी। तो अभी चाची और शायद शॉपिंग पे जाने की सोच रहे हैं मार्केट में। इस बार मॉल में नहीं जाएंगे क्योंकि मॉल में तो चाची और ने पसंद कर ही लिए थे अपने लिए जो भी थे। तो अभी जाएंगे हम मार्केट, ताई जी भी आएंगी, थोड़ी शॉपिंग रह गई थी तो वो चाची ताई जी और को भी और चाची और को भी शॉपिंग करनी है। तो फिर चलेंगे हम मार्केट। तो कौन जाएगा, मैं और चाचा और चाची, मम्मी और ईशु और रोनित, तुम घर पे ना? तो अभी मैं थोड़ा बाहर आ गया, अंदर थोड़ी गर्मी सी हो रही थी और थोड़ा बोर बोरियत आ रही थी, तो अभी मैं बाहर आ गया। हाँ, बाहर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है, मस्त ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी ठंडा हो रखा बाहर का मौसम। और मैंने छाता ले रखा है क्योंकि बेकार में भीग जाऊंगा मैं तो सर्दी वर्दी लग जाएगी। तो अभी देखते हैं, अमरूद तोड़ते हैं यार। हाँ, अमरूद तोड़ते हैं एक बार, मैं ट्राई मार के देखता हूँ। इस वाले पेड़ का था लाल अमरूद, मगर इसमें तो अब पहले एक ही अमरूद लगा हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से दिखा क्योंकि इसके हरे पत्ते ना, तो अमरूद दिख नहीं रहा था। तो इसका अमरूद बड़ी मुश्किल से दिखा हमें, तो पापा ने तोड़ लिया था वो, पर अब नहीं है इसमें एक भी अमरूद। अब पेड़ थोड़ा खाली खाली हो चुका है, अभी तो छोटे छोटे अमरूद आ रहे हैं इसमें, तो जब तक बड़े नहीं होते तब तक तोड़ना कैसे है। तो अभी जो दूसरा पेड़ है हमारा, उसमें तो लदा पड़ा है वो पेड़ तो अमरूद से ही, तो उससे अमरूद तोड़ के देखते हैं बरसात में तोड़ पाते कि नहीं। कीचड़ भी हो रखा है नीचे मिट्टी में, मिट्टी गीली हो रखी है तो कीचड़ हो रखा है। तो चलते हैं अभी अमरूद तोड़ने के लिए। तो अभी चलते हैं अमरूद तोड़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो रखा है नीचे। और ये है अमरूद का पेड़, और नीचे देखो आप कितने सारे गिरे हुए हैं अमरूद, बहुत सारे अमरूद गिरे हुए हैं। और यहाँ पे अमरूद भी काफ़ी सारे, कुछ कुछ तो चिड़िया ने खा लिए, तो थोड़ी दिक्कत है, आराम से देख देख के तोड़ना पड़ेगा अमरूद। और अभी मैं गीला भी हो रहा हूँ क्योंकि पेड़ में पानी की बूंदें हैं, तो जैसे ही पेड़ हिल रहा है सारी पानी की बूंदें एक साथ गिर रही है नीचे। तो अमरूद तोड़ लेता हूँ पहले, ये वाला ठीक है, हल्का सा मैंने यूं छेड़ा इस अमरूद को, ये टूट गया, काफ़ी बढ़िया है। अभी एक और तोड़ लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 अमरूद तोड़ चुके हैं इससे, और छाता अंदर ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने छाता इस पे रख दिया। तो अभी इन अमरूदों को धोते हैं और काफ़ी मस्त लग रहे हैं फ्रेश अमरूद, तो खाते हैं। तो अभी मैंने अमरूद को धो लिया और काट लिया है, तो ईश्वर को भी दे दिया, रौनित को भी दे दिया, सबको दे दिया अमरूद काट के। तो बिना धोए और बिना काटे बरसात के मौसम में कोई भी फल फ्रूट ना खाएँ क्योंकि उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, तो देख कर ही खाएं। तो अभी अमरूद का टेस्ट करते हैं कैसा है। तो अमरूद टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया है, मीठा अमरूद है। तो फिर चाची और शॉपिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, चाची और ने घर का सारा काम निपटा चुका है, शॉपिंग के लिए अभी तैयार हो रहे हैं चाची और। तो फिर चलते हैं और शायद चाचा जाए हमारे साथ। तो अभी सभी लोग रेडी हैं चलने के लिए और सभी जा रहे हैं पापा को छोड़ के, बाकी चाची, रौनित, ईशु, जिया, मैं, मम्मी सभी। तो चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो हमने तो कपड़े ले लिए थे सभी ने, पर चाची और की शॉपिंग थोड़ी रह गई थी और ताई जी को भी लेना है वहाँ से मार्केट से ही। तो चलते हैं फिर, सबने मास्क ले लिए? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अभी देखते हैं ताई जी तैयार हुई कि नहीं हुई। तो ताई जी तैयार हो गया? तो ताई जी अभी तैयार हो चुकी है, फिर मैं ताई जी को ड्रॉप कर देता हूँ बाहर, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है, बारिश ही लगी हुई है सुबह से। और ईशु को तो काफ़ी जल्दी है अपने दोस्त से मिलने के लिए, शूज़ भी नहीं उतार पा रहा वो। ताई ना उससे, अच्छा ताई जी हो गए तैयार आप? हाँ जी ठीक है, ताई जी मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, ठीक है? तो अभी चलते हैं और ताई जी को ड्रॉप कर देता हूँ मैं।
तो अभी मैं और ताई जी पहुंच तो चुके हैं बाज़ार में, तो अभी चाची और को कुछ पता नहीं चाची और कहाँ पे हैं, तो अभी ताई जी ने फ़ोन करा तो फिर चलते हैं। अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और चाची और ने बोला कि हम सैंडल ले रहे हैं, तो सैंडल वाली अंकल की शॉप पे चलते हैं। तो अभी जिया ने सैंडल ली है, देखिए सैंडल कौन सी, अरे वाह सही लग रही तेरे को, बढ़िया, ठीक है फिर चलते हैं। तो अभी सभी ने छतरी खोल चुकी है और मैं छतरी तो लाया नहीं, मैं गीला हो जाऊंगा, तीनों के पास छतरी है और मैं बिना छतरी के हूँ, तो चलो कोई नहीं ऐसे ही चलते हैं, बारिश में भीगने में मज़ा आ रहा है वैसे। शॉप पे तो हम भी चलते हैं। ये तेरे को भी कुछ पसंद आ रहा है? बच्चों का नहीं है यहाँ। अबे बच्चों का नहीं है, बच्चों का अंदर। अच्छा मतलब ये लेडीज काउंटर है। जरा इनको बोलो जरा बुलाओ। कौन से भैया? मुझे दिखाते हैं। अच्छा तो ये लेडीज काउंटर है ना। हाँ ये वाला सही लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। ये वाला सही है, ये सही लग रहा है। मैंने बहुत पहन लिया लाल में। हाँ तो ये वाला पहन लो, ये वाला ये सही लग रहा है। ये वाला देखो, फिर ये देख लो या वो वाला देख लो। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला नहीं वो वाला सही, ये वाला ये ही ठीक है। तो ये सभी सूट भी हैं, तो इसमें से सेलेक्ट कर लो मम्मी। नहीं वो ही अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, सही है ये। तो यहाँ पे जिया आपने ले नाइट ड्रेस देख रही है, नाइट ड्रेस क्यों देख रही है, क्या करेगी उससे बढ़िया तो फ्रॉक देख ले। यहाँ पे देख, यहाँ पे है यार कहाँ पे, ये रही देख फ्रॉक बच्चों के लिए है, तो ये वाली है देख, सही है यार। बड़ी छोटी है थोड़ी, चल छोड़। कौन सा ये वाला पसंद आ रहा है? ये वाला। तो अभी मम्मी को इतना देखने के बाद ये वाला पसंद आया है, बढ़िया है। मैं तो स्टार्टिंग से आपको बोल रहा था कि ये वाला बढ़िया है। तो अभी मम्मी चाची दोनों ने सिलेक्ट कर लिया है अपने लिए सूट, तो अभी पेमेंट कर रहे हैं मम्मी और। तो अभी मम्मी और उन्हें शॉपिंग कर चुकी है, तो अभी चलते हैं, शायद अब घर चलेंगे डायरेक्ट सीधा। तो अभी शायद सीधा घर चलेंगे मम्मी और। तो घर अब ताई जी ने अभी जीन्स लेनी है, तो अब चलते हैं फिर दोबारा दूसरी शॉप पे चलते हैं। तो अभी मम्मी और ताई जी जा रखे हैं शॉप पे जीन्स लेने के लिए, ताई जी को जीन्स लेनी थी, तो अभी चलते हैं फिर। अपना शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट, तो ताऊ जी और के घर चलते हैं। तो अभी मम्मी और भी पहुंच चुके हैं ताई जी और के घर पे, क्योंकि मैं और जिया तो बाइक से आए थे, तो हम तो जल्दी पहुंच गए थे, मम्मी और को काफ़ी टाइम लगा पहुंचने में। तो पहुंच चुके मम्मी और भी, और मम्मी और अब सभी चल रहे ऊपर घर पे, और अभी भी बारिश लगातार चल ही रही है। तो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी अपनी सभी चीज़ें रेडी है, फ्रूटी चॉकलेट चिप्स जो कुछ भी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्टी, चलो ले लो भाई, लो भाई लो। चलो भाई मैं भी एक ले लेता हूँ। चेस। तो अभी हम लोगों ने बहुत इंजॉय कर लिया, काफ़ी इंजॉयमेंट हो गया। तो अभी चलते हैं वापस अपने घर, और सभी लोग बैठ रहे हैं कार में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं झंडा चौक मेन मार्केट में। तो अभी हम जा रहे हैं चाचा जी और से मिलने के लिए, और चाचा जी की शॉप का नाम है कृष्णा ज्वेलर्स, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से ही।
ये चाचा की जी की शॉप, चाचा जी की शॉप का नाम है कृष्णा ज्वेलर्स। तो चलते हैं अब अंदर। अंकल जी नमस्ते। तो अभी चाचा जी किसी काम से बाहर गए हैं, तो अभी चाचा जी आ रहे हैं। तो अभी हम आए जिया की रिंग लेने के लिए। सही आ रही है, फिट है, इतनी सारी अंगूठियाँ देख लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो तो काफ़ी अच्छी लग रही है रिंग, सही है ना। तो अभी चाचा जी को कुछ काम था तो चाचा जी कहीं जा रखे हैं। तो अभी हमने जिया की अंगूठी तो ले चुकी है, तो अब चलते हैं अपने घर। तो अभी अभी हम पहुंचे अपने घर और चाचा कार पार्क कर रहे हैं बाहर, तो काफ़ी थकान लग रखी है। तो अंदर चलते थोड़ा रेस्ट करते। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल ही गया था, मैंने बोला था कि अनबॉक्स करेंगे कल वाले, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर करते हैं जो हमें गिफ्ट मिला उसका अनबॉक्स। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चाची करेगी अनबॉक्सिंग। चाची चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करो। हाँ पैकिंग तो बहुत तगड़ी कर रखी है। ये ओ वाओ, फोर प्लेट सेट है। फोर प्लेट सेट, हाँ बड़ी प्लेट से फोर है। ठीक है फोर प्लेट है, 1 2 3 4। कितना मस्त डिजाइन, डिजाइन इसका बहुत अच्छा है। और वेट में भी लाइट है, बहुत लाइट वेट है। हाँ वेट वेट भी बहुत हल्का है। क्वार्टर प्लेट, अच्छा ये क्वार्टर प्लेट, ये भी फोर का सेट है। ये भी फोर का सेट है क्वार्टर प्लेट का, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। बाउल ज्यादा है, मतलब यूटिलिटी बाउल है ये। ठीक है इसमें सूप वगैरह पी लेते हैं। अच्छा सूप के लिए ठीक है ये, सूप अच्छा। वगैरह है ना। तो ये टोटल 18 पीस का सेट है। सो गाइस आप सभी का पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स गेन करवाने में काफ़ी मदद करी और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो आशा करता हूँ मैं आप मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।